ड्रेसिंग रूम। नमस्कार, आपने लॉग इन किया हुआ है वन इंडिया हिंदी। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2018 का इनॉग्रल मैच, और इस मैच में अगर किसी एक बल्लेबाज का नाम लिया जाएगा तो वो है ड्वेन ब्रावो। जी हां, ड्वेन ब्रावो ने सिंगल हैंडेडली ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में डाल दिया। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स एक मौका ऐसा लग रहा था कि वो ये मैच हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद ड्वेन ब्रावो की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते उन्होंने ये मैच अपनी टीम को जिता दिया। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से ये मैच पलटा। ड्वेन ब्रावो ने अपनी टीम के लिए 18वें ओवर से पहले, ड्वेन ब्रावो का जो अगर बात करें रन जो है, उन्होंने 19 बॉलों पे 29 रन बनाए थे, लेकिन 18वां ओवर जो कि मिचेल मैकलिगन ने फेंका, उनकी गेंदबाजी पर ड्वेन ब्रावो ने पूरा मैच पलट दिया। पहले 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक छक्का जड़ा, उसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक छक्का जड़ा, और उसके बाद उन्होंने एक चौका जड़ा पांचवी गेंद पर, और 18वें ओवर के खत्म होने पर ड्वेन ब्रावो ने 24 गेंदों पर 48 रन बना रखे थे, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह के ओवर में उन्होंने तीन बड़े छक्के लगाए। पहली गेंद पर उन्होंने एक छक्का लगाया, उसके बाद एक फुल टॉस पर उन्होंने छक्का लगाया, और उसके बाद पांचवी गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने एक और बड़ा छक्का लगाया, जिसके बाद वो आउट हो गए। तो उन्होंने अपनी 30 गेंदों में 68 रन जड़े, और उसके बाद आखिरी ओवर में चौथी गेंद पर पहले केदार जाधव ने मुशफिकुर रहमान की गेंद पर एक छक्का जड़ा, और उसके बाद पांचवी गेंद पर एक चौका जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को ये मैच मात्र एक रन से जिता दिया। तो इस मैच में ड्वेन ब्रावो मैन ऑफ द मैच रहे, और उन्होंने आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करी। बताएं तो उनका स्ट्राइक रेट जो है इस मैच में 226.66 का रहा। तो बहुत ही बढ़िया और आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के इस ऑलराउंडर अपने टीम को ये पहला मैच जिता दिया, और मैच जीतने के बाद उन्होंने अपने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई के फैंस को डेडिकेट कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लॉग ऑन करें oneindiahindi.com पे, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वन इंडिया हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब करें।